भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। एक तरफा और भ्रामक सूचना को लेकर ये नोटिस भारत सरकार ने विकिपीडिया को जारी किया है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने सवाल पूछा है कि आखिरकार विकिपीडिया को एक पब्लिशर क्यों ना माना जाए? विकिपीडिया की भूमिका पब्लिशर की या फिर मध्यस्थ की? ये वो बड़ा सवाल जो भारत सरकार की तरफ से पूछा गया है। विकिपीडिया को नोटिस जारी किया गया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जानते हैं नीरज से क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर। नीरज, देखिए लगातार विकिपीडिया को लेकर शिकायतें मिल रही थी कि जिस तरह से वो कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं वो भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है उसके खिलाफ है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नोटिस जारी किया है विकिपीडिया को, और नोटिस जारी करके ये पूछा है कि आप मध्यस्थ की भूमिका में हैं या प्रकाशक की भूमिका में हैं, तो आपको क्यों ना प्रकाशक में लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप चीजों को प्रकाशित कर रहे हैं, एक एक विषय पे अपनी राय रख रहे हैं, उससे आपको प्रकाशक क्यों ना माना जाए। और यही कारण है भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने बाकायदा नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। अब देखना यह होगा कि विकिपीडिया भारत सरकार को क्या जवाब देता है, लेकिन निश्चित रूप में भारत सरकार अपनी गाइडलाइंस को लेकर, अपने नियम और कानून को लेकर सख्त है। और यही कारण है कि आप देखें पिछले कुछ दिन पहले भारत सरकार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस इशू किया था और उनसे इस बारे में कंटेंट को लेकर हिदायत दी थी, और इस बार विकिपीडिया को भी भारत सरकार ने कंटेंट के मामले में नोटिस जारी किया है। जी, लेकिन इस मामले में अभी तक का जो रुख है आप बेहतर बताएंगे, वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेटर के तौर पर खुद को वो इस रूप में बताता है कि साहब वहां पर तो ऑप्शन होता है, आप एडिट कर सकते हैं जाकर, जो चाहे वो वहां पर अपनी जानकारी साझा कर सकता है। नीरज, बिल्कुल विकिपीडिया में जानकारी साझा की है, लेकिन इंडिया में जिस तरह से विकिपीडिया कंटेंट स्वयं में प्रसारित कर रहा है, मसलन जैसे आप खुद हो मान लीजिए एक एंकर के तौर पर, तो आप चाहे जानकारी साझा करें चाहे साझा करें, लेकिन विकिपीडिया के कई ऐसे मामलों में देखा गया विकिपीडिया खुद ही जानकारी एज ए रिपोर्ट प्रकाशित कर देता है आपके बारे में। तो ये कारण है, भारत सरकार ने यही इसी वजह से तो सवाल खड़े किए हैं कि भाई आप मध्यस्थ की भूमिका में हैं या प्रकाशक की भूमिका में, और क्यों ना आपको प्रकाशक मान लिया जाए। कब तक जवाब देना होगा नोटिस का, इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है? इसकी थोड़ी सी जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाए टाइम बाउंड होता है, जब भी भारत सरकार कोई नोटिस देता है तो वो मिनिमम 15 दिन का समय देता है कि आप 15 डेज में अपना जवाब दाखिल करें। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विकिपीडिया को भारत सरकार की तरफ से नोटिस, विकिपीडिया को एक पब्लिशर क्यों ना माना जाए, इसी को लेकर नोटिस भारत सरकार की तरफ से सूत्र बता रहे विकिपीडिया को दिया गया है।